वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेस्ट लेवल की, साथ में कल के लिए बैटिंग स्टॉक की। मेरा आप सबसे एक सजेशन है, जो कोई भी भाई लॉस में है उसे मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए कि जाके स्टॉक के अंदर या फिर क्रूड के अंदर ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपको सूटेबल है तो। अगर सूटेबल नहीं है तो आप लाइव आ जाइएगा। मैं लाइव में स्टॉक के अंदर और क्रूड के अंदर दोनों के अंदर ट्रेड देता हूँ, उस पर कीजिए, अपना लॉस कवर कीजिए। पहले ऑप्शन के अंदर मत भागिए, ऑप्शन रिस्की है। ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना जब या तो आप परफेक्ट हो या फिर आपके साथ हैंड होल्डिंग है, कोई आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। अगर आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते, क्रूड के अंदर नहीं करना चाहते, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, टेंशन नहीं पालना चाहते, तो आप स्विंग ट्रेडिंग लीजिए। बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बहुत सारे हैं। अभी जो बजट से पहले जो स्टॉक्स है रेलवे में, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा जरूर कैपिटल होगा, इंक्रीज होगा, और आप लोगों का जो एक सिनेरियो बन गया है मन में लॉस का, वो हटेगा। और कोई नई न्यूज आएगी या कुछ आएगी तो मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, वहाँ पे 100% आप लोगों को हेल्प करूँगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर हाई लिख के भेज दीजिएगा। मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी मैं 100% करूँगा। अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे चाहे पैटर्न्स के बारे में पूछा हो, चाहे स्टॉक के बारे में पूछा हो, हर एक चीज़ की मैंने लेवल दिए हैं, और ऊपर वाले की कृपा से वो लेवल 100% वर्क करते हैं। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर नई तेज़ी करनी है सर, तो आज का जो हाई था वो था 24,461, इसके ऊपर खुलना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। तो अभी मुझे ऐसा कोई सिनेरियो लग नहीं रहा है। आज जो सेलिंग आई थी वो एग्जैक्ट नीचे का लेवल जो मैं इतने दिन से आपको दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 24,165 का, वहीं से रिटर्न हुआ है इसी कैंडल का। यहाँ पे ये देख सकते हो लाइव, ऊपर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहीं से वो रिटर्न हुआ था और ऊपर जाके वो क्लोज हुआ है। तो अभी सर क्या करना चाहिए, कल के लिए क्या करना चाहिए? अगर कल मार्केट इसी सिनेरियो में खुलता है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 24,300, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी इसको होल्ड कर लेगा मुझे लगता है। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता तो फिर से वही 24,165 का अच्छा सपोर्ट है। अगर उसको भी होल्ड नहीं कर पाता तो लास्ट जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 24,100। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहाँ अगर खुदा ना खास्ता बड़ी बैड न्यूज आ जाती है और यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता, तो लास्ट जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट या कुछ भी मान लीजिए, वो है 24,000। यहाँ तक निफ्टी अभी आ जाए मुझे लग नहीं रहा। तो नीचे के जो सपोर्ट्स हैं मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन सपोर्ट जो लास्ट सपोर्ट है फाइनल, उससे नीचे निफ्टी अभी नहीं आ सकता, वो है 24,000। उससे ऊपर जो सपोर्ट है वो है 24,100, और उससे ऊपर जो सपोर्ट है वो है 24,165, जहाँ से आज मार्केट घुमा है। और मार्केट अगर आज जहाँ पे खुला था उसी सिनेरियो में खुलता है तो 24,300 भी एक सपोर्ट का काम करेगा, जो मार्केट को थोड़ी देर रोकने में कैपेबल है। ज़्यादा रोक नहीं सकता, पर थोड़ी देर रोकने में वो कैपेबल है, क्योंकि वो जो सपोर्ट है वो आउटली लेवल पे निकाला गया है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वह है 24,470 का। मैं फिर से बोलूँ, 24,470 का निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी को तेज़ी करनी है तो इसके ऊपर खुलना पड़ेगा और 15 मिनट टिकना पड़ेगा। 24,470 के ऊपर खुल गया और टिक गया तो नई तेज़ी करेगा, अगर नहीं टिक पाया तो फिर नीचे के जो सपोर्ट है 1x1x1 अगर टूटते रहे तो सपोर्ट टू सपोर्ट अपना प्रॉफिट टेल करना, बड़ा प्रॉफिट लेना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कवर कर सको। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर सर सिनेरियो ऐसा है, आज हमारी डिमांड जोन में था बैंक निफ्टी। जब तक ये डिमांड जोन में है, मैं फिर से बोलूँगा नो ट्रेडिंग जोन है। ये डिमांड जोन आपको जो दिख रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर जब तक बैंक निफ्टी है ट्रेड मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी अगर, मैं फिर से बोलूँ ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी अगर 52,700 के ऊपर खुलता है तो ऊपर का ट्रेड लीजिएगा, 52,700 के नीचे खुलता है तो वो अप साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। 52,700 के ऊपर खुलता है जो उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता है वो होता है 52,980 का। 52,700 के ऊपर खुलता है तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनता है वो होता है 52,980 का। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, जस्ट ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल 53,000 है। अगर इसके नीचे खुल जाता है तो 51,870 का एक छोटा सा सपोर्ट है। डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट अच्छा है, बट इसको जो रेंज है वो कम है, तो अगर ये टूटेगा तो बड़ा सपोर्ट 51,000 है, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मेंटल लेवल भी है, कैसे भी मान लीजिए वो बड़ा लेवल है, वो टूटेगा नहीं। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, ऊपर का लेवल बता दिया। अगर 52,980 का लेवल टूट जाता है तो ऊपर जो लेवल बनता है वो 53,350 का बनता है, वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 4 दिन हो गए कंटिन्यूसली एक ही रेंज में घूम रहा है, तो कल कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ ट्रेड बनता है, दोनों तरफ के लेवल में बता दें, लेवल टू लेवल जाना, प्रॉफिट 100% होगा। कल एक्सपायरी निफ्टी की है तो ज़्यादा फोकस निफ्टी के ऊपर रखना।
अभी बात कर लेते हैं सीधी बेहतरीन स्टॉक की। सेंसेक्स के लेवल में आज नहीं दे रहा, कल मैं लेवल दूंगा उसके बारे में, तो आज उसके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। रेलवे स्टॉक की कुछ सिनेरियो ऐसा है, रेलवे के अंदर कुछ ब्लॉक डील हुई है, कुछ मर्जर हुआ है, उन सब की वजह से वो भागा है, तो उसमें जो भी बड़ी न्यूज या कुछ बनेगा तो मैं कल बताऊंगा। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डीलिंक। डीलिंक के अंदर क्या है सर, अगर डीलिंक को और तेज़ी करनी है तो 675 के ऊपर जाना पड़ेगा। 675 के अगर ऊपर चला जाता है और 5 मिनट टिक जाता है तो आप बाय साइड में चले जाना। मैं फिर से बोलूँ, 675 के ऊपर अगर खुल जाता है और 5 मिनट टिक जाता है ओनली, तो आप बाय साइड में ट्रेड ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 675 के नीचे खुलता है तो आप 675 के ऊपर 5 मिनट वेट करना, RSI और सुपर ट्रेंड को चेक कर लेना, सपोर्ट नहीं देता तो आप इंटरडे में सेल कर देना। तो फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है आपका 536 का, और जो सेकंड टारगेट बनता है वो आपको बनता है 600 का। आई होप समझ आ गया होगा। मैं फिर से बोलूँ, अगर 675 के नीचे खुलता है तो आप RSI और सुपर ट्रेंड को चेक करके सेल करना। तो पहला टारगेट है वो है 636 का, और जो सेकंड टारगेट बनता है वो बनता है 600 का। और ऊपर खुल जाता है तो आप 5 मिनट टिक नहीं देना, RSI को चेक कर लेना, 72 से ऊपर है बुलिश है तो बाय कर लेना, और ऊपर के जो लेवल होंगे वो मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को दे दूँगा। अभी बात करते हैं SCC की। SCC के अंदर ऐसा सिनेरियो सर, SCC परफेक्ट अपना रेजिस्टेंस था 53 का, वहाँ पे रुका है। कल ये कहाँ खुलता है, अगर 53 के ऊपर खुलता है तो इसको आप बाई करके जा सकते हैं, 58 का टारगेट है। पेनी स्टॉक है, मैं सीधा पहले ही बता चुका हूँ, पेनी स्टॉक के ऊपर टेक्निकल इतना परफेक्ट काम करता नहीं है, 50 के ऊपर होना जरूरी है। पर जस्ट ये 50 के ऊपर 53 पे है, अगर ये 53 के ऊपर कल खुल जाता है, 53 या 54 से ऊपर खुल जाता है, सेफ साइड में मान लीजिए 54 से ऊपर खुल जाता है, तो 58 ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि 53 जो लेवल है वो मंथली लेवल है, अच्छा लेवल है, अगर खुल गया तो ऊपर 100% चला जाएगा, मगर 54 से ऊपर खुलना चाहिए। अगर इसके अंदर ही खुलता है तो फिर नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नीचे का जो लेवल है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है 49 का। मुझे लगता है अगर ये नीचे खुला 53 के और ऊपर नहीं जा पाया तो 49 का लेवल है, 4 रुपये का इसलिए है क्योंकि 50 रुपये का ही स्टॉक है। दो स्टॉक ऑलरेडी मैंने बता दिए, अब बात कर लेते हैं RCF की। RCF को मैंने आज भी बताया था, कल भी बताया था, परसों 3 दिन से बता रहा हूँ, अगर RCF को नई तेज़ी करनी है तो 143 के ऊपर जाना पड़ेगा, जो वो गया नहीं। आज यहां से सेलिंग आई थी, कल ये अगर 224 के नीचे खुलता है तो आप इंटरडे में बिंदास सेल करना है इसको, 219 का पहला लेवल है। अगर ये 224 के ऊपर खुलता है तो 235 का बाय साइड में लेवल है। दोनों साइड में RSI पक्का चेक करना, बिना RSI ट्रेड मत करना। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है REC। REC के अंदर सर ये है कि अगर इसको तेज़ी करनी है तो 637 के ऊपर जाना पड़ेगा। 637 ऊपर ट्रेड करता है तो आप इंटरडे के अंदर से बाई कर सकते हैं। नीचे का ट्रेड बनता नहीं इसके अंदर, अगर बनेगा तो मैं लाइव आऊँगा तो आप दे दूंगा। ऊपर का ट्रेड ओनली बनता है, 636 के ऊपर जाना चाहिए। एक स्टॉक जिसकी क्वेरी आज सबसे ज़्यादा लाइव में जब था उसकी आ रही थी, RVNL की। RVNL के अंदर एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड बनता है, 619 अपने ऑल टाइम हाई के पास ही खुला है। कल अगर 619 के ऊपर खुल जाता है और टिक जाता है तो बिंदास होकर बाई साइड में चले जाना। RSI गजब का इसका, 86 का RSI है, मैंने खुद ने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किया है। कल देखते हैं कहाँ खुलता है। मैंने 3-4 स्टॉक दिए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेवल, ये स्टॉक आप लोगों के काम आ रहे होंगे। इससे भी ज़्यादा अगर आपको सेफ में रहना है तो लाइव आ जाना, मैं लाइव आता हूँ, 100% आपकी हेल्प होगी। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, अपने लॉस को रोकना सीख लीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आज मैं फिर यही बोल रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।